नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल विनी स्टार अकेडमिक में आपका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की नोटिफिकेशन जब से आई है ये विवादों में चली गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हो बिना विवाद के पूरी नहीं होती है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इस बार का विवाद एज को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद भर्ती आ रही है। जून 2016 में भर्ती आई थी, अब भर्ती आ रही है अप्रैल 2021, इतने दिनों बाद भर्ती आ रही है। काफ़ी बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। ये भर्ती आप देखे होंगे सुर्खियों में 2019 से काफ़ी रही है। 2019 में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता था, हर 7 से 8 दिन पर एक बार ये भर्ती नोटिफिकेशन जो कि आपके पेपर में न्यूज़पेपर में आ ही जाती थी या फिर सोशल मीडिया पर आ ही जाती थी, जिससे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे। लेकिन एज की काउंटिंग 1 जुलाई 2021 से करने की वजह से उन बच्चों की एज समाप्त हो गई जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अभी तक तैयारी कर रहे थे। डीजी साहब 1 वर्ष ये पहले ही भर्ती आप लोग को अनाउंसमेंट कर चुके थे कि हम भर्ती इस सीजन में निकाल देंगे, इस सीजन में करवा लेंगे और इस सीजन में आपकी फाइनल नियुक्ति वगैरह दे देंगे, आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। लेकिन उस दौरान कोरोना आ जाता है, भर्ती को भी बचा लेता है और डीजी साहब को भी बचा लेता है। आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे कि डीजी साहब स्वयं ही आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हम इस महीने में भर्ती निकाल देंगे। लेकिन आप लोग जब खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि ये भर्ती 1 वर्ष पीछे हो गई, तो कम से कम 1 वर्ष तो बच्चों को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। दोस्तों पिछली बार का मैं बताता हूँ, जो जून 2016 में भर्ती आई थी, जुलाई 2016 तक फॉर्म फिलअप हुआ था, उसकी एज काउंटिंग जुलाई 2016 से की गई थी। जुलाई 2016 में जो 28 वर्ष के हो जा रहे थे वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। किंतु इस बार दोस्तों अभी जुलाई सम्मिलित भी नहीं हुआ है, फिर भी आप एज की काउंटिंग जुलाई 2021 से क्यों कर रहे हैं? कुछ बच्चे हमें खुद ही सजेशन देते हैं कि सर जो भर्ती जनवरी के बाद आती है उसकी एज की काउंटिंग जुलाई से ही की जाती है। लेकिन दोस्तों ये अच्छा खासा मजाक है, अच्छा खासा आप लोग के साथ छल है। एज काउंटिंग जुलाई से क्यों की जा रही है? कम से कम एज काउंटिंग आप लोग जब मानते हैं कि 1 वर्ष हम पीछे चल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो 1 वर्ष की कम से कम आप लोग को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। और इतने दिनों बाद भर्ती आ रही है तो कुछ बच्चों को रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए। मिनिमम एज आयु जो है वो 30 वर्ष करनी चाहिए, ये हमारा विन स्टार अकेडमी का राय है। और दोस्तों इसमें कई बच्चों की जो परेशान हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा राहत मिल जाएगा और गवर्नमेंट को भी राजस्व में फायदा ही होगा। जी हाँ, काफ़ी अच्छे खासे लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे बाहर हो जा रहे हैं इसकी वजह से, तो वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे जिससे राजस्व में उनके फायदा होगा और आप एग्ज़ाम भी अच्छे से करा सकते हैं और उन बच्चों की भी मान सम्मान बच जाएगा जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों जिनकी एज सही है, सही सलामत है, लास्ट स्टेज पर भी आकर वो बच गए हैं, तो वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। ये भर्ती रुक नहीं जाएगी, प्रोसेस चलती रहेगी। फाइनल में आकर आप देखते हैं, 2017 की हो वो फाइनल में आकर रुक गई है, कोई भी भर्ती हो वो फाइनल में आकर रुकती है, तो ये भी इसकी प्रोसेस जारी हो जाएगी। 1 तारीख से आप फॉर्म फिलअप करेंगे और अपने तैयारी को कंटिन्यू चालू कर दीजिए। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह लेना चाहते हैं, तो एक चक्षु पब्लिकेशन की हम आप लोग को स्क्रीन पर दिखा भी देना है, उसकी प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं और अच्छे खासे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आप 2017 से लेकर जितने अभी तक SI के पेपर हुए हैं सारे पेपर का कलेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है और मूल विधि की भी आपको बुक हम दिखा दे रहे हैं, इसे भी ले सकते हैं, अच्छा खासा इसमें कलेक्शन किया गया है। दोनों बुक आपको अमेजन पर भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं और इस बुक का हम लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू तैयारी में लगे रहें, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ होगी हम लेकर आते रहेंगे, वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, प्रोसेस चलता रहेगा। बस यही मान के आप लोग तैयारी करते रहें और जिनकी एज अभी समाप्त हो गई है वो भी अपने जो बड़े ग्रुप चल रहे हैं उनमें ज्वाइन करके क्या आगे की करना चाहिए काम, उस पर आप लोग आपस में बात करिए और आगे की प्लानिंग खुद से ही करिए। और किसी भी ग्रुप में पैसे वगैरह अभी देने की हम सजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय ऐसे केस में बहुरुपया लोग भी आ जाते हैं अपना हाथ सेकने, तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।